हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। आज मैं आपसे बात करता हूँ एक बहुत छोटी सी किचन के बारे में, जो कि अपना किचन का जो साइज है 6x6 का साइज है, उसका साइज बहुत छोटा है मगर उसमें सुविधा बहुत ही ज़्यादा है। देख रहे हैं यू टाइम में इस अनुसार यहाँ पर इस तरह से इसमें कार्य हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने नीचे की साइड की किचन के बारे में, जहाँ पर आप देख रहे हैं दो गैस जाली लगी हुई है, जो कि इस अनुसार है। यहाँ पर मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारी जो किचन है वो किस प्रकार, यानी कि उसका डिजाइन दिया गया है और इसे किस प्रकार बनाया गया है। दोस्तों ये इस प्रकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया और मैं आपको अपने सभी डोर ड्रावर खोल कर दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अपना डोर खोलता हूँ, जो कि मेरे डोर की लंबाई है कि वो लगभग 28 इंच है और इसकी ऊंचाई 15 इंच है। इसके अनुसार हमारा जो ऊपर डोर है, जिसमें अपना प्लेन ग्लास लगा हुआ है, इसको हमने शोकेस बना रखा है, जिसमें आप अपना क्रोकरी का सामान, लंच डिनर सेट वगैरह रख सकते हैं। इसका साइज़ यानी कि 18 इंची और 28 इंची जिस अनुसार खुलता है। यहाँ पर हमने इसमें गैस रोड लगा रखी है, जो कि अगर मैं गैस रोड की बात करूँ, ये आपकी 12 केजी की यानी कि 120 नंबर की है। यहाँ पर इसमें दो हाइड्रोलिक कब्जे लगे हुए हैं अपने 8 नंबर के। और ऊपर की साइड की बात करते हैं, जो आप यहाँ पर प्लेन ग्लास देख रहे हैं, हमने जो इसको रोक रखा है शीशे को, वो प्लास्टिक बटन पे रोक रखा है। यहाँ पर जो अपना बीच सेंटर में अपना पीवीसी बटन लगा रखा है सपोर्ट, यानी कि उसके हमने कटिंग कर इस अनुसार लगाया। आगे चलते हैं और मैं अपना नीचे का डोर खोलता हूँ, जो कि अपना प्लेन है। यहाँ पर हमारा इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, यानी कि कोने की जगह है, वो भी आपकी कामयाब हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो अपनी पट्टी लगा रखी है, वो 3 इंच चौड़ाई लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर अपनी रोड भी लगी हुई है। और हम अगर बात करें अपनी आगे गैस रोड की, यहाँ पर आपको यानी कि 10 केजी की रोड लगानी पड़ेगी, यानी कि 100 नंबर, क्योंकि आपका छोटा पल्ला है, छोटे पल्ले के अनुसार ही उसमें आपकी रोड लगती है। यानी कि जैसा हमारा 15 इंच का पल्ला 28 इंच का, उसमें आपकी यानी कि 100 नंबर की रोड लगेगी गैस रोड, और जो बड़ा पल्ला आपका 18 इंची और 28 इंच का, हमने उसमें 12 केजी के 120 नंबर की रोड लगा रखी है। और दोस्तों मैं बात करता हूँ अपनी दूसरी साइड की, यहाँ पर भी इसी अनुसार कार्य दिखाया गया है इसमें, जो कि अपने लंबाई है इसकी 30 यानी कि 32 इंच की लंबाई। यहाँ पर भी इसी अनुसार दोस्तों हमारा डोर खुलता है, और इसी अनुसार यहाँ पर भी अपना इसमें प्लेन ग्लास दिया गया है, और ये भी अपना 18 इंची और 32 इंच का साइज है। यहाँ पर आप जैसा कि कलर देख रहे हैं ऊपरली साइड में, यहाँ पर हमने बॉक्स बना रखा है, जो कि हमारे लेंटर की ऊंचाई है वो लगभग 7.5 फिट के आसपास हैगी। उसको हमने बिल्कुल ही अटैच कर रखा है, यहाँ पर अपना 5 इंची और लगभग 3.5 इंची का हमने बॉक्स बना रखा है लाइट, उसमें अपनी लाइट लगी हुई 3 वाट की, जो कि ल्यूमिनस कंपनी की होती है, वो हमने लगा रखी है। इस अनुसार दोस्तों दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 8 इंची के अपने हैंडल लगा रखे हैं इसमें। यहाँ पर हमने जो अपना हिसाब बना रखा है, वो आर ओ का हिसाब बना रखा है। यहाँ पर भी अपना कॉर्नर खाली है, यहाँ पर अपना आप कुछ भी सामान रख। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर पे हमने शॉप के लिए एक कॉर्नर लगा रखा है, जो कि इस अनुसार है। यहाँ पर अपना आप वाशपेसन का, सिंक का कोई भी काम कर अपना यहाँ पर शॉप वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों मैं अगर अपने आर ओ के साइज़ की बात करूँ, खन्ने की, हमारे जो आर ओ के साइज खन्ना है यानी कि 24 इंच का है, और जो अपनी हाइट है वो 33 इंच की है। वैसे जो अपनी ऊपर की अलमारी बनती है वो 30 इंच यानी 2.5 फुट की बनती है। कर इसको करते हैं बंद और चलते हैं साइड में। दोस्तों हम बात करते हैं अपने इस साइड के खन्ने की। यहाँ पर देखा कि आपने अपना बात कर रहा था अपने इस खन्ने की, जो कि हमने अपना खन्ने का साइज रखा है वो 30 इंच का रखा है। हम वैसे तो उसको GT BT बोलते हैं, मगर जो अपना इसका जो नाम दिया गया है वो डिस होल्डर के नाम से दिया गया है। मैं ये अगर मैं इसकी बात करूँ, जो अपना साइज आता है ये MM के हिसाब से आता है। इसमें जो अपना साइज आता है ये हमारी अपनी 800 mm की है। इसमें सभी तरह के साइज है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप अपना एक मेरे पास पेपर देख रहे हैं, हमारा जो इसमें साइज है खन्ने का, ये मैंने ऊपर लिखकर दिखा रखा है यहाँ पर बॉक्स साइज। इस अनुसार दोस्तों मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने जो अपना बॉक्स का साइज रखा है वो 30 इंच का साइज रखा है। और मैं बात कर रहा था अपने MM के बारे में, जो अपना साइज आता है इसका 800 mm आता है, यानी कि 32 इंच का अपना साइज आता है इसके हमारा डिश होल्डर का। तो दोस्तों ये हमारा जो अपना बॉक्स का साइज रखना होता है 30 इंच का साइज रखना होता है। यहाँ पर इसमें आपके सभी तरह के साइज दिए गए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपका 400 mm, 500 mm, 600, 700, 800, 900, 1000 mm का मतलब यानी कि आपका इसमें
40 इंच की आपकी ये आपकी डिश होल्डर रहेगी। इसमें जो अपना साइज देगा सभी तरह का, ये अपना यहाँ पर 38 इंच का साइज होता है जिसमें 1000 mm की लगेगी। अगर आप 34 इंच का खाना रखते हैं उसमें आपकी 900 mm की आएगी, और 30 इंच का रखते हैं उसमें 800 mm की आएगी, और अगर आप अपना साइज 26 इंच का रखते हैं तो उसमें आपकी 700 mm की आएगी। इसी अनुसार दोस्तों अगर आप अपना 22 इंच का खाने का साइज बॉक्सर साइज रखते हैं उसमें आपकी 600 mm की आएगी। इसी अनुसार दोस्तों मैंने कार्य किया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने पेपर के द्वारा, जो कि मैंने इसमें आपको सभी तरह के साइज बताई। यहाँ पर जो आप अपना ये प्लेट देख रहे हैं डिश, इसमें आप अपना जो बर्तन वगैरह लगाते हैं ऊपर प्लेट लगाते हैं, नीचे कोई भी अपना सामान गिलास वगैरह कप वगैरह रखते हैं, उसमें यहाँ पर जो अपने गिले बर्तन होते हैं और जो पानी टपकता है उसमें भर जाता है, उसको अपना हफ्ते में एक या दो बार निकाल देना चाहिए जिससे कि अपना पानी निकल जाए। और करते हैं इसको बंद। दोस्तों बात करते हैं इस खन्ने की, यहाँ पर जो अपना साइज देख रहे हैं, अपना जो साइज है हमारा यहाँ पर ये अपना 32 इंच का साइज है, वो साइज हमारा 23 इंच का था, ये 32 इंच का। यहाँ पर हमने एक इसमें स्लैब दे रखा है, जो कि अपने स्लैब की ऊंचाई की बात करें अपना 15 इंच के ऊपर का जो खन्ना वो 18 इंच का है। चलते हैं नीचे की साइड। तो जैसा कि आप सामने का ये हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर अपना जो यहाँ पर ये दराज वगैरह दी गई है, इसमें हम अगर ऊपर के स्लैब की बात करें, मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर जो अपना स्लैब है अपना 20 इंच का स्लैब है, और बात करते हैं इस साइड की, यहाँ पर अपना 19 इंच का स्लैब है, और बात करते हैं यहाँ पर दूसरे साइड की, यहाँ पर भी अपना ये 20 इंच का स्लैब है जहाँ पर अपनी सिंक लगी हुई है। इस अनुसार दोस्तों और बात करते हैं, जो आप अपना घर का साइड देख रहे हैं, यहाँ पर ये अपना 12 इंच का साइड है, वहाँ कोने तक के दिखाओ, ये अपना पूरा 12 इंच का साइज है। यहाँ पर दोस्तों इसमें हमारी छोटी जगह होने की वजह से बहुत सारी सुविधा आएंगी, इसमें यानी कि बहुत सारा आपका काफ़ी सामान आ सकता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों अपने नीचे के साइड के बारे में, मैं बात करता हूँ अपने दराज के बारे में, जो कि अपने दराज की जो चौड़ाई है वो 16 इंच की यहाँ पर नहीं, ये हमारी जो अपनी चौड़ाई है ये अपनी 14 इंच की चौड़ाई है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था अपने यहाँ की उस पत्थर की, यानी कि जो हमारा ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, ये 20 इंच का है, यानी कि जो अपना इसमें यहाँ पर अंदर का जो स्लैब डला हुआ है उसमें आपका 18 इंच का स्लैब डला हुआ है। जो हमारी बास्केट आती है स्टील की एसेसरी की वो 20 इंच की आती है, इसलिए इसमें हिसाब नहीं बन पाया हमारा स्टील बास्केट का। यहाँ पर हमने अपना प्लाईवुड का बिल्कुल फुल सनमाइका में अपनी दराज बनाई, जिससे कि आप अगर गिल्ला बर्तन भी रखना चाहेंगे वो भी आपके रखे जाएंगे। यहाँ पर हमने इसमें अनुसार काम ही हमने इसकी कटलरी बनाई यहाँ पर, और दूसरे साइड में जो हमने अपना दराज बनाया ऊपर साइड का, ये आपका 4 इंच का बनाया अंदर से, बाहर से 7 इंच का है, और ये भी हमारा जो बाहर का साइज है 7 इंच का है, अंदर से जो अपने दराज की गहराई है वो 5 इंच की है। हमने इसमें फुल सनमाइका में काम करा वाटर प्रूफ फेविकोल में, और अपना पीवीसी टेप लगाई है हमने, नीचे की साइड भी यहाँ पर सनमाइका लगा रखी है अपनी। और बात करते हैं नीचे की साइड में, यहाँ पर आप एक गहरा दराज देख रहे हैं, जो कि अपने अगर दराज की गहराई की बात करिए हमारी 10 इंच की गहराई है यहाँ पर, और ये जो अपना साइज है यहाँ पर ये 14 इंच का साइज है, यानी कि हमारा ये 14 इंच का साइज होगा, 14 इंच का ही होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें एक बीच में यानी कि कट दे दिया, जिससे कि दो रजन बन चुके हमारा, ये भी 14 इंच का हो गया और ये भी 14 इंच का हो गया। बात करते हैं दूसरे साइड की, यहाँ पर ये जो आप अपनी पट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी 4 इंच की पट्टी जो अपनी दीवार हुआ करती है सपोर्ट यानी कि स्लैब की, इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ये दो कोने नज़र आ रहे हैं, जो कि अपना जो साइज यहाँ पर ये 2 इंच का आएगा, ये भी 2 इंच का है। यहाँ पर ये हमने इसलिए लगाया, अगर मान लिया आप अपने दराज खोलते हैं यहाँ पर, अगर आप 2 इंच का अपना छोड़ते इसमें आप अपनी बास्केट ना निकाल पाते क्योंकि हाथ नहीं जाता और बड़ी दिक्कत होती, इसलिए हमने यहाँ पर अपना हैंडल का भी फ़ायदा समझा और अपना दराज अगर बांध दिया उसका भी फ़ायदा समझा। इसी अनुसार दोस्तों यहाँ पर भी पट्टी दी गई, इसमें 2 इंच की अपना जो हैंडल होते हैं हमारा पल्ला बिल्कुल सीधा खुला हुआ है, अगर हम यहाँ पर ये पट्टी ना लगाते आप अपनी इसमें अपना पल्ला टेपर में रहता है इस अनुसार, तो दोस्तों हमने इसलिए यहाँ पर इसमें 2 इंच की पट्टी दी है। और मैं अपने बात करता हूँ यहाँ के साइज़ की, हमने दो पल्ले लगे हुए यहाँ पर, जो पल्ले हैं अपने ये 14 इंच के पल्ले हैं, यानी कि 28 इंच की हमारी चौड़ाई यहाँ पर इसकी, इसमें यहाँ पर हमने दो स्टील की प्लेट लगा रखी जिसमें अपना जो गैस बना होता है वो निकल जाएगा सारा। यहाँ पर इसमें आप अपना आटा ट्रोली वगैरह गैस सिलेंडर वगैरह रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसमें होल हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना सिलेंडर रख लेंगे उसमें बहुत सारा काफ़ी सारा सामान आ जाएगा आपका इसमें। और यहाँ पर भी हमने इसमें 2-2 इंच की पट्टी छोड़ी हुई है। इस अनुसार दोस्तों जो हम अगर बात करें अपने जाली की साइज की, हमारा 6x8 का साइज है जाली का। दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने साइड की, यानी कि जहाँ पर हम अपना सिंक के बराबर में जो अपनी डोर हुआ करती है यानी कि
लंबे साइज की 8 इंची, 20 इंची और लगभग 24 इंच की इस तरह से, और 18 इंच की 2.5 फुट की। उसके अनुसार दोस्तों हमने अपना सिंक है इसमें यहाँ पर बर्तन जो धुलते हैं उसका रोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपना प्लाई बोर्ड की दराज बनाई है, इसमें सनमाइका वगैरह लगा रखी है और पीवीसी टेप लगा रखी है, नीचे भी लेमिनेट्स लगा रखी है। ये हमने यहाँ पर बड़े साइज में अपना डोर बना रखा है प्लाई बोर्ड का सनमाइका लगा कर, इसमें आप अपना खूब सारे बर्तन रख सकते हैं, बहुत काफ़ी सारे। और इस अनुसार दोस्तों यहाँ पर हमने अपना इसमें एक दराज और नीचे भी बना रखा है, जो कि हम अपने दराज की बात करें साइज़ की, हमारा जो अपना साइज है 18 इंच का आएगा और अंदर से जो साइज है गहराई का वो 10 इंच का आएगा, और सामने से जो अपना साइज है ऊंचाई का वो 14 इंच का है। यहाँ पर अपना एक इसमें पाया आया हुआ है जिस पर हमने अपना एक इसमें यहाँ पर 4 इंच की पट्टी लगा रखी है। चलते हैं साइड में दोस्तों, यहाँ पर अपनी सिंक लगी हुई, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डोर लगे हुए हैं, इस अनुसार यहाँ पर हमने अपना बिल्कुल दो पल्ले लगा कर बंद रख कर रखा है, और एक साइड में यहाँ पर जो अपना सिंक के बराबर में जो 12 इंच की जगह बची हुई थी यहाँ पर हमने उसमें एक यहाँ पर एक अपना बॉक्स लगाकर एक यहाँ पर इसमें कैबिनेट बना दिया और अपना एक पल्ला लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपनी 12 या 13 इंच की जगह थी वो हमने अपनी कामयाब कर ली। यहाँ पर इसमें जो आपकी देख रहे हैं एक टंकी का इसमें पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर हमने एक इंच पीछे हटा रखा है अपना पल्ला, जिससे कि हमारा जो पल्ला है वो इसमें अड़े ना और हमारा पल्ला सीधा रहे। दोस्तों इस अनुसार मैंने यहाँ पर काम किया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बिल्कुल ये खाली छोड़ रखा है, स्थान अपना धुलाई भी कर सकते हैं, आपका प्लाई बोर्ड ख़राब नहीं होगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको दिखाई, और अगर मैं अपने टोटल कॉस्ट की बात करूँ किचन के खर्च के लेबर सहित, तो उसमें हमारा 60,000 रुपये का यानी कि खर्च आया, जो कि हमारा साइज है 6x6.5 का। उसमें मैंने जो लिमिट्स वगैरह लगा रखी हैं ऊपर की साइड यानी कि आपकी वाइट कलर की स्पार्कल सनमाइका है, और नीचे की जो लेमिनेट्स है वो आपकी लाइट ग्रीन है स्पार्कल में दोस्तों, इस कार्य हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, आप हमें कमेंट में राय भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।